जातीय जनगणना करवाने की मांग काफी लंबे समय से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही नेता करते आ रहे हैं। अब जातीय जनगणना के बाद आरक्षण को लेकर के बड़ी बात कह दी गई है। ऐसे भी जहां भी बिहार एनडीए में शामिल जदयू जहां भी उनके नेता जाते हैं, शायद ही कोई जगह होगी जहां पर जातीय जनगणना को लेकर के बात नहीं होती होगी और उसके फायदे को नहीं बताया जाता होगा। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जो कि बिहार के अलग अलग जिलों का इन दिनों दौरा कर रहे हैं, अब जातीय जनगणना के बाद उन्होंने आरक्षण को लेकर के बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना करवाने के बाद जो भी लोग आरक्षण से ज्यादा फायदा ले रहे हैं, ज्यादा लाभ उठा रहे हैं, उनको इससे घाटा होगा। बिहार यात्रा पर निकले जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। कहा कि जो लोग ज्यादा आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, उन्हें जातीय जनगणना के बाद आरक्षण छोड़ना होगा। जेडीयू नेता ने कहा कि अगर जातीय जनगणना होती है तो अगड़े और पिछड़े सभी को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लगातार जातीय जनगणना को लेकर के प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से मिलकर जातीय जनगणना करवाने का आग्रह किया गया है। सुपौल पहुंचे जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कोरोना के शिकार हुए जेडीयू के नेताओं से मुलाकात की, उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। राघोपुर में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इससे पहले शनिवार को खगड़िया में भी उन्होंने कहा था कि 100 साल पहले जातीय जनगणना हुई थी, आज जातीय जनगणना समय की जरूरत है, ये जरूरी है। अलौली के हरिपुर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने आया हूं, ताकि सरकार की ओर से चलाई गई योजनाओं का लाभ जनता उठाए। कहीं भी कोई परेशानी आ रही हो तो जिले के जदयू कार्यकर्ताओं और अधिकारियों से संपर्क कर उन्हें अवगत करवाएं। आपकी समस्याओं के निदान करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। खगड़िया पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा का मथुरापुर भगत टोल टमटम चौक के समीप समाज सुधार वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष जयनती पटेल के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी की महिला कार्यकर्ता मौजूद थी। जयंती पटेल ने उपेंद्र कुशवाहा को चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान जेडीयू नेता सुमन पटेल, प्रदेश सचिव निर्मला देवी, नीलम वर्मा, रका सहाय, समाज सुधार वाहिनी के जिला अध्यक्ष ममता जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष मीरा देवी, सामाजिक कार्यकर्ता तितली भारती, रीता कुमारी, नगर अध्यक्ष खगड़िया राधा रानी, प्रखंड अध्यक्ष सीता देवी और कई लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बिहार दौरे पर हैं। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम हो का सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। आपको मालूम होगा कि जातीय जनगणना के मसले को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुका है। अब हालांकि नरेंद्र मोदी की तरफ से इसको लेकर के कोई भी जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन सभी को बिहार में इंतजार बस इसी बात का है कि क्या आने वाले समय में बिहार में जातीय जनगणना होती है। लगातार विपक्ष की ओर से जातीय जनगणना करवाने की मांग की जा रही है, साथ ही साथ जदयू के नेता भी लगातार इसकी अहमियत को समझाते रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया है कि अगर जातीय जनगणना होती है, उसके बाद जो भी लोग आरक्षण से ज्यादा फायदा ले रहे हैं, उन सभी को इसका घाटा होने वाला है, उन सभी को आरक्षण छोड़ना होगा।
बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और वहां पर जाकर के जदयू कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।